लखनऊ में कथित पबजी हत्याकांड में आरोपी बेटे ने साक्ष्य भी मिटाए थे। हत्या के बाद बेटे ने मां साधना सिंह के मोबाइल की कॉल डिटेल, चैट और बाकी डिटेल को भी डिलीट किया। खास बात तो यह है, ये कोशिश खुद को बचाने के लिए नहीं बल्कि इस मामले में कत्ल का इशारा करने वाले परिवार के सदस्य को बचाने के लिए की थी। ऐसा इसलिए भी क्योंकि यही एक तरीका था जिससे पुलिस परिवार के उस सदस्य तक पहुंच सकती थी। आपको बता दें कि 7 जून की रात पुलिस ने साधना के शव को घर से बाहर निकालने के साथ उनके मोबाइल को भी कब्जे में ले लिया था। उम्मीद थी कि मोबाइल से केस की हकीकत तक पहुँचने में मदद मिलेगी। फोन के अनलॉक होने के बाद पुलिस को डिटेल गायब मिली। 16 साल के बेटे और घटना के मास्टरमाइंड ने पुलिस से एक कदम आगे चलने का प्रयास किया। बेटे के बयान के मुताबिक 4 जून की देर रात उसने मां साधना की हत्या की थी। वारदात में शामिल परिवार का सदस्य उसको जिस मोबाइल पर डायरेक्शन दे रहा था वो साधना का ही था। पुलिस की जानकारी मिली है कि नाबालिग बेटे के पास एक मोबाइल था, उसे एक महीने पहले से ही रिचार्ज नहीं कराया गया था। तो वहीं एक कहानी ऐसी भी है कि मां के राज खुलने के बाद बेटे का मोबाइल छीन लिया गया था। उसके बाद बेटा अपनी मां के मोबाइल से ही परिवार के सदस्य से संपर्क कर रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।